गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस। सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। तो बुक में देख लीजिए आप कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं। तो अपनी बुक ओपन करिए। तो इसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका न्यू लेसन, लेसन नंबर फोर, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। केयर मतलब देखभाल, रेख देख। तो किस तरह से हमें प्लांट्स और एनिमल्स की केयर और प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तो वही आज हमने इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 33। और इसमें आप देखिए, ये देखिए, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जहाँ से पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर फिंगर रख के ध्यान से सुनिए। वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स मतलब पौधे और जानवरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट। तो प्लांट्स में कैसे निर्भर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स से हमें खाने के लिए क्या मिलता है, खाना मिलता है, भोजन मिलता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल्स को क्या मिलता है प्लांट से, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जानवरों को भी खाने के लिए भोजन मिलता है प्लांट से। द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स सच एज टाइगर एंड लॉयन, प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज डेयर एंड ज़ेब्रा। वी ऑल्सो ईट फ्लैश ऑफ सम एनिमल्स, एग्जाम्पल गोट एंड शीप। द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब जो मांस खाते हैं वो जानवर कौन से हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया। प्लांट ईटिंग एनिमल्स मतलब जो हरी भरी घास खाते हैं, जैसे कि डेयर और ज़ेब्रा। We also eat flesh of some animals. हम भी, कुछ human beings भी क्या करते हैं, कुछ जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे goat हो गए, sheep हो गए, ठीक है। Next para. So we depend upon both plants and animals for food. तो इस तरह से हम इनके ऊपर निर्भर हैं, जैसे हम लोग जानवरों के ऊपर निर्भर हैं, हम plants के ऊपर निर्भर हैं, तो किसी ना किसी तरह से हम इनके ऊपर क्या करते हैं, depend करते हैं। तो आ जाइए, देखिए, ये देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं, आप एक साइकिल टाइप की एक बनी हुई है। देखिए यहाँ पे फ्लैश खाया जा रहा है, यहाँ पे एप्पल खाया जा रहा है, ये ग्रास खा रहा है, ये ग्रास खा रहा है, ये ग्रास खा रहा है, ये फ्लैश खा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, पढ़ते हैं अभी से, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन अपने आप ही बनाते हैं। दे मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। मेक देयर फूड फ्रॉम, अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स यूज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस फूड, प्लांट्स यूज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस फूड, द रिमेनिंग पार्ट इज स्टोर्ड इन द प्लांट एज शुगर एंड स्टार्च। तो प्लांट्स इसमें से क्या करते हैं, सिर्फ एक ही, ओनली अ पार्ट ऑफ दिस फूड, यूज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस फूड, इसमें से थोड़ा ही भाग क्या करता है, यूज़ करता है। जो इसमें रिमेनिंग पार्ट बचता है वो कहाँ चला जाता है, स्टोर्ड इन द प्लांट, प्लांट में स्टोर हो जाता है, किसके रूप में, शुगर और स्टार्च के रूप में। सर्टेन एनिमल्स ईट दीज प्लांट एंड ग्रो, कुछ एनिमल्स जो हैं वो इनमें से कुछ प्लांट्स खाते हैं और बढ़ते हैं। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ईट दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कुछ जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, जो मांस खाने वाले एनिमल हैं, वो क्या करते हैं, ईट दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, क्या करते हैं, जो ये प्लांट खाने वाले एनिमल हैं, कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल इनको क्या कर देते हैं, खा देते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान, एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन टू द एटमोसफियर, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ चली जाती है, एटमोसफियर में। दिस इज देन यूज बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, और इस प्रकार से जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन के दौरान इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए नेक्स्ट पैरा।
दिस प्रोसेस कंटिन्यूज़, और यही जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है. दिस इज़ द साइकिल ऑफ इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. और ये साइकिल है प्लांट्स और एनिमल्स की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता. किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये इसी की ही साइकिल है. आगे देखते हैं, देखते हैं, देखिए, आप भी देखिए पेज नंबर 34. बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन नेचर. किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बैलेंस है, हमारे नेचर में बैलेंस किस प्रकार से है, किस प्रकार से संतुलित है. तो देखिए, वी नो दैट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर. ये तो आप सब जानते हैं बच्चों कि हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, ठीक है. चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, हम लोग एयर के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. द एयर वी ब्रीथ कंटेन्स ऑक्सीजन. जो भी हम हवा लेते हैं अंदर, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. ऑल लिविंग बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जितने भी जीवित जानवर हैं, चाहे इंसान है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं. इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ऑल द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर वुड बी कंज्यूम्ड एंड द एटमोसफेयर वुड हैव ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ये ऐसी वन वे अगर ऐसा चलता रहा कि हम ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ऐसा अगर सिर्फ ये वन वे हो कि सिर्फ हम ऑक्सीजन लेने की ही प्रोसेस कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो फिर तो एक स्टेज आने के बाद ऐसा हो जाएगा कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो. लेकिन ऑल द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर वुड बी कंज्यूम्ड एंड द एटमॉस्फेयर वुड हैव ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कमी में, ठीक है, नो एनिमल और ह्यूमन बींग्स कुड सर्वाइव. चाहे हम हो, चाहे कोई जानवर हो, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं. अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई या ऑक्सीजन लुप्त हो गई, तो हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं. वी कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट ऑक्सीजन. हम जीवित नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना. नेक्स्ट पैरा देखिए, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ. और ये किसके कारण होता है, जितने भी हरे भरे पौधे होते हैं उनके कारण. The green plants play an important role to maintain oxygen in air. तो जो भी बोला जाता है trees plant करिए, तो क्यों बोला जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे atmosphere, nature में क्या हो, oxygen की मात्रा बढ़े, ठीक है. तो oxygen की मात्रा को maintain करने के लिए सबसे important role है green plants का. The plants absorb carbon dioxide and give out oxygen. तो plants क्या करते हैं, oxygen को absorb करते हैं और carbon dioxide को absorb करते हैं और oxygen को release करते हैं, ठीक है. Hence we can say that plants maintain the balance of oxygen and carbon dioxide. तो इसमें हम अगर ऐसी बात ये बोलें कि प्लांट्स ने ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर में बैलेंस किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है. आप ये पिक्चर देखिए, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है. तो अभी सिर्फ मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, आप इसको पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, जहाँ से स्टार्टिंग से और यहाँ तक आप इसे रिवाइज़ करिए, उसके बाद मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी. लेकिन पहले आप इसे रीड करिए, समझिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है.